आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, यानी अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है, या आपने पढ़ा है, अब आपको स्टेप लेना है, मतलब दौड़ना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की स्टडी कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से अगर स्टडी किया तो यार जिसके पास नॉलेज उसको जॉब कैसे मिल जाएगी ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुझे बनना तो है स्ट्रक्चर इंजीनियर, बट स्टार्ट कहां से करूं कि मेरी स्टडी तैयारी हो जाए, मेरा प्रिपरेशन हो जाए पूरी तरीके से। तो इस वीडियो को आप देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम कहां से स्टार्ट करें। दोस्तों स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपकी मैकेनिक्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मैकेनिक्स अच्छी नहीं है, मैकेनिक्स इन द सेंस पूरा मैकेनिक्स नहीं बोल रहा मैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है, और लॉ ऑफ फोर्सेस, क्यूब फोर्सेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इतनी चीजें अगर मैकेनिक्स में आपने तैयार किया है तो बहुत है। तो पहला चीज आपको मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है सोम। सोम क्यों? क्योंकि सोम से ही आप स्ट्रक्चर के बिहेवियर यानी मटेरियल के बिहेवियर के बारे में समझ पाओगे। तो सोम में आपको स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो। एसएफडी बीएमडी तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करो कि डिफ्लेक्शन किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं और क्या होता है डिफ्लेक्शन, इसके बारे में पढ़ लो। इतनी चीजें आप सोम में पढ़ लो। इसके बाद आ जाओ आरसीसी में। आरसीसी में आप मैनुअल डिजाइन पढ़ लो, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयरकेस के बारे में। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतना अगर आरसीसी पढ़ लिया, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा पढ़ो, इतना पढ़ लोगे तो आपकी तरीके से कॉमन तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक बहुत मतलब कि अगर अच्छा करना है आपको तो थोड़ा सा कंक्रीट के बारे में पढ़ लो, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, कंक्रीट के टाइप्स, कंक्रीट के बिहेवियर, बस इतना बहुत है। अब थोड़ी सी बीएमसी पढ़ लो। बीएमसी में क्या आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और मिक्स डिजाइन, इतना सीख लो, बहुत है, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप स्टार्ट करो कोड्स पढ़ना। कोड में मैंने बताया है 456 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, 800 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप कोड पढ़ लो। कौन कौन से? आईएस 456, आईएस 800, आईएस 13920, आईएस दैट 875 के पांचों पार्ट, पार्ट वन डेड लोड, पार्ट टू लाइव लोड, इसके बाद पांचों पार्ट पढ़ डालो इसके। तो ये अगर पढ़ ले तो आपका कोड भी तैयार हो। इतना थ्योरी बहुत है किसी भी जॉब के लिए, मींस किसी भी स्ट्रक्चर जॉब के लिए, अगर आप आरसीसी के लिए जा रहे हो तो, और स्टील के लिए जा रहे हो तो सारा कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आरसीसी को हटा के उसके जगह स्टील स्ट्रक्चर, इसके दुगो सर की बुक प्रिफर कर सकते हो या आपको जो भी बुक अच्छी लगे आप पढ़ सकते हो। तो स्टील स्ट्रक्चर उसके जगह पढ़ लो आरसीसी की जगह, बाकी सोम मैकेनिक सब कुछ सेम रहेगा, बस प्रॉपर्टी आपको किसकी चेंज करनी है, स्टील की, और कंक्रीट की जगह पर आपको स्टील का ज्यादा नॉलेज लेना है। इतना अगर पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दो सॉफ्टवेयर है छोटे छोटे, एक आप ऑटोकैड पढ़ लो, मतलब सीख लो यार, सॉरी ऑटोकैड पढ़ना नहीं, ऑटोकैड सीखना है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऑटोकैड किस तरीके से कंप्लीट सीख सकते हो, ऑटोकैड सीख लो। और दूसरे वीडियो में आप ऑटोकैड सीख लो, और ऑटोकैड सीखने के बाद दूसरा आप अच्छे से सीख लो स्टैट प्रो या ईटैब्स। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टैट सीखूं कि ईटैब सीखूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप आरसीसी के लिए जा रहे हो तो आप ETF सीख लेना, और अगर आप स्टील के लिए जा रहे हो तो आप स्टैट सीख लेना, आपका बेहतरीन काम होगा। मेरा एक्सपीरियंस है दोनों सॉफ्टवेयर में, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि स्टील के लिए सबसे अच्छा स्टैट है, और आरसीसी के लिए सबसे अच्छा ETF है। बाकी दोनों में दोनों काम होता है, बट मेरे को अगर आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि दोनों में इस तरीके से है। इतना अगर आपने सीख लिया तो आप ये समझिए कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इसको भी सोने पर सुहागा अगर करना चाहते हैं, यानी इससे भी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो ब्रिटिश बोर्ड या अमेरिकन बोर्ड या दोनों पढ़ डालिए। बिलीव करिए कि ऐसा बंदा बहुत कम खोजने पे मिलता है जिसको ब्रिटिश और अमेरिकन कोर्ट के बारे में पता हो। दोनों कोर्ट लगभग सेम है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक पढ़ लो दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप सीवी भेजते हैं किसी को और उसमें आपने लिखा है ACI कोर्ट या लिखा है ब्रिटिश कोर्ट, BS कोर्ट, तो सामने वाले क्या लगता है कि यार इसके पास नॉलेज तो कुछ ज़्यादा है, क्यों?
क्योंकि इसने आईएएस कोड तो पढ़ा ही है, इसके बाद ब्रिटिश भी पढ़ा, अमेरिकन भी पढ़ा, मतलब एक्सपर्ट लेवल है। इतना पढ़ लीजिए, इनफ है। किसी भी जॉब पे, मीन्स स्ट्रक्चर की जॉब पे आप अप्लाई करिए और रिज्यूम को इसी तरीके से सेट करिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से सेट करके अप्लाई करना है, उसी तरीके से आप सेट कर लीजिए और डेफिनेटली आप कहीं पे भी जाएंगे, हर एक स्ट्रक्चर की जॉब में आप प्लेस हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी मेरे पास कोई अगर इंटरव्यू के लिए आता है, उसके पास इतनी स्किल है, तो तुरंत मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगता है। अब हाँ, ये जरूर याद रखिए कि आप अगर आई एस 18932016 पढ़ रहे हैं, मतलब सेस्मिक का कोड पढ़ रहे हैं, तो आपको सेस्मिक मैनुअल स्टैटिक से और डायनेमिक दोनों मेथड से करना आना चाहिए। अगर आप 875 पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, मतलब आपको विंड का कैलकुलेशन मैनुअल भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, तभी आपके लिए वो सीखना स्वार्थ में लगेगा। बस इतनी सी चीजें अगर आप कर देते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं ये दो दिन में हो जाए, दो दिन में हो भी नहीं सकता, इसके लिए कम से कम एक महीना लगेगा। और अगर एक से डेढ़ महीने अगर आपने अच्छे से अपने को इसमें पिरो दिया, मीन्स इसके अंदर आप डेडिकेट कर दिया, आराम से कहीं पे भी अप्लाई करोगे और आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और शॉर्टलिस्ट करने का तरीका मैंने पीछे बहुत बार आपको बताया है, उस तरीके से शॉर्टलिस्ट आप करवा सकते हो अपनी सीवी को। तो इतनी चीज़ अगर आपने पढ़ा तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा स्ट्रक्चर का। दोस्तों इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, तो यार इसको लाइक कर देना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, वीडियो का ग्राफ ऊपर आता है, और साथ ही साथ एक कमेंट करना जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मेरे वीडियो ये सब जो आपने मैं वीडियोज बना रहा हूँ, ये आपके कमेंट ही है। एक्चुअली जब आप कमेंट करते हो तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा इस तरीके की जॉब के लिए ये क्वेश्चन पूछना है बंदा, तो इसको कुछ जरूरत होगी, चलो इस तरीके की वीडियो तैयार करते हैं, सामने वाले को पता चलेगा चलो अच्छा मेरा सॉल्व हो गया। तो मैं आपके ही कमेंट क्वेरीज जो रहती है उसके थ्रू ही, कई लोग मेल करते हैं वो भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करके आप अपने फीडबैक दीजिए, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस तैयार करता रहता हूँ आगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा और आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करो, और अगर हमारे पुराने दोस्त हैं तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके 10 लोगों को शेयर करो। 10 लोगों को शेयर किए बिना जाओगे तो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो ना यार। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।